आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साविका श्रीवास्तव। रुख करते हैं खबर की ओर। नमाज के दौरान रहो चुप और 5,02,000 जजिया टैक्स दुर्गा पूजा पर बांग्लादेश का तुगलकी फरमान। आयोजन समितियों को कथित तौर पर नमाज के दौरान चुप रहने और प्रत्येक को 5,00,000 रुपए जजिया टैक्स के रूप में देने के लिए कहा गया। कई जगह मूर्तियों की तोड़फोड़ और लूटपाट की भी घटनाएं रिपोर्ट की गई। सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जमकर उत्पात मचाया गया, कई लोगों की जान चली गई। मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनने के बाद से पड़ोसी देश में कई बदलाव देखने को मिले। हालांकि दुनिया भर में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा पर फजीहत झेलने के बाद बांग्लादेश सरकार ने जैसे तैसे अपनी छवि सुधारने की कोशिश की, लेकिन असलियत सामने आ गई। वहां पर दुर्गा पूजा समारोह की शुरुआत उथल पुथल भरी रही, क्योंकि अंतरिम सरकार और विभिन्न मुस्लिम निकायों ने कई इलाकों में दुर्गा पूजा के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि आयोजन समितियों को कथित तौर पर नमाज के दौरान चुप रहने और प्रत्येक को 5,00,000 रुपये जजिया टैक्स के रूप में देने के लिए कहा गया। कई जगह मूर्तियों की तोड़फोड़ और लूटपाट की भी घटनाएं रिपोर्ट की गई। पिछले महीने के आखिरी में राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार कई दुर्गा पूजा समितियों को धमकी भरे पत्र मिले हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर वे त्यौहार मनाना चाहते हैं तो उन्हें 5,00,000 रुपये देने होंगे। खुलना के डाकोप क्षेत्र में कई हिंदू मंदिरों ने भी धमकी भरे पत्र मिलने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस बीच ढाका ट्रिब्यून ने पिछले महीने बताया कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पूजा समितियों को सलाह दी है कि वे अजान और नमाज के दौरान अपने संगीत वाद्यंत्र और साउंड सिस्टम बंद रखें। ये बयान कथित तौर पर गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कानून और व्यवस्था की बैठक के बाद दिया था। अगस्त की शुरुआत में शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि देखी गई। हालांकि नए प्रशासन ने जोर देकर कहा है कि हमले राजनीतिक प्रकृति के थे। रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकारियों ने आगामी दुर्गा पूजा समारोह को प्रतिबंधित करने की खराब सुरक्षा व्यवस्था और धमकियों का हवाला दिया है। हालांकि प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों ने जोर देकर कहा कि भक्तों को बांग्लादेश में त्यौहार मनाने का निश्चित रूप से मौका मिलेगा। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन हाल ही में ANI से बातचीत के दौरान कहा कि ये काफ़ी अजीब है, हो सकता है कि कुछ लोग दुर्गा पूजा को पसंद ना करें। इस देश में सदियों से दुर्गा पूजा की जाती रही है और ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब दुर्गा पूजा ना हो। निश्चित रूप से जो भक्त ऐसा करना चाहते हैं उनके पास ऐसा करने का अवसर है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।